हेलो एवरीवन। तो अभी रिसेंटली इंडिया के मोटा भाई मुकेश अंबानी की कंपनी वैक्यूम 18 ने बहुत मैसिव डील क्रैक की है डिज्नी इंडिया के साथ, तो इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी इस टॉपिक पर बात की है अबाउट डिज्नी एंड रिलायंस मर्जर। तो मुकेश अंबानी की कंपनी वैक्यूम 18 ने डिज्नी इंडिया के साथ 70,000 करोड़ का एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जिसको लेकर NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इस मर्जर को अप्रूवल मिलना था, और महीनों के इंतजार के बाद फाइनली NCLT ने इस मैसिव मर्जर को अप्रूव कर दिया है। और सबसे पहले ये डील मुकेश अंबानी ने 11,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ एक नई एंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये अनाउंस किया था कि एक कंबाइंड एंटिटी बनाना चाहते हैं स्टार वैक्यूम 18 के टू मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड जियो सिनेमा। और इस मर्जर का मकसद है इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया जाइंट क्रिएट करना, जो कि डिफरेंट रेंज ऑफ कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम टेलीविजन टू स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करेगा और इंडिया के मीडिया स्पेस को डोमिनेट करेगा। और ये जो नई एंटिटी बनने वाली है उसको लीड करेंगी मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी एज द चेयर पर्सन ऑफ द कंपनी, और उनको सपोर्ट करने वाले हैं वेटेरियन मीडिया पर्सन उदय शंकर, जो कि वाइस चेयर पर्सन के तौर पर काम करेंगे उस मर्ज एंटिटी के लिए। और आप सभी जानते हैं कि जियो सिनेमा ऑलरेडी इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है विद इट्स डाइवर्स रेंज ऑफ कंटेंट। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।